प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। आरती से पूरी होती है ईश्वर की आराधना, आरती है भगवान की साधना, आरती में समाई है दैवीय शक्तियां, वेदों में व्यक्त है आरती का महाविधान। भगवान की पूजा से मन को शांति और आत्मा को तृप्ति मिलती है। कहते हैं कि हाथों में घी का दीपक लेकर सच्चे मन से आस्था के साथ गाकर अगर भगवान को पुकारा जाए तो भगवान जरूर आते हैं, क्योंकि पूजा पाठ और साधना में इतनी शक्ति है कि ये सभी मनोकामना पूर्ण कर सकती हैं। और पूजा के दौरान ईश्वर की आराधना तब तक पूरी नहीं होती जब तक भगवान की आरती ना की जाए। भगवान की आरती हम इसलिए करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो कष्ट हैं वो दूर हो। आरती से हमें सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और आरती से चूंकि उसमें घी का दीपक जलता है तो घी के दीपक जलने से वायुमंडल पवित्र होता है, इसमें कि निगेटिव जो चीज़ें होती हैं वो हमारे जीवन से दूर होती हैं और पॉजिटिव चीज़ें हमारे पास आती हैं। सच्चे मन से की गई ईश्वर की आराधना असीम शांति का एहसास कराती है। शायद इसीलिए ढोल, नगाड़ों और दूसरे वाद्यों की लय और ताल पर सदियों से मंदिरों से लेकर पंडालों और घरों में देवी की आरती गाई और बजाई जाती है। जानकारों का यह मानना है कि पूजा में आरती का खास महत्व है। आरती में जाने से पहले भगवान के यहाँ मंदिर पे पहले घर में शुद्ध होकर अपना और नूतन वस्त्र या धुला हुआ वस्त्र पहनना चाहिए, ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके और वहाँ पे एकाग्र मन करके भगवान की आरती में सम्मिलित हो, जिससे हमें की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त। आरती के महत्व की चर्चा सर्वप्रथम स्कंद पुराण में की गई है। आरती हिंदू धर्म में पूजा परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान के अंत में देवी देवताओं की आरती की जाती है। आरती की प्रक्रिया में थाल में ज्योति और कुछ विशेष वस्तुएं रखकर भगवान के सामने घुमाते हैं। थाल में अलग अलग वस्तुओं को रखने का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व होता है आरती के साथ गाई जाने वाली स्तुति का। जितने भाव से आरती गाई जाएगी उतना ही ज्यादा ये प्रभावशाली होगी। पूजा उपासना के अंत में आरती की जाती है, जिससे जो जो कमी पूजन में रह जाती है वो आरती से पूरी हो जाती है। आरती की व्याख्यान वेदों में भी किया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत कृतम पूजनम हरेह सर्व संपूर्णता मेति कृते निराजने शिवे। अर्थात पूजन मंत्रहीन तथा क्रियाहीन होने पर भी निराजन यानी आरती करने या लेने से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।